नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टारगेट गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स में। लास्ट क्लास में हमने संख्या पद्धति शुरू कर दिया था। संख्याओं के हमने कुछ बेसिक टाइप पढ़े थे, जैसे प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं। उसके अलावा प्राकृत संख्याओं में ही कुछ पार्ट थे, जैसे सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या और सम्मिश्र संख्या या संयुक्त संख्या, ये हमने पढ़ रखा था। अब आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। उसके पहले मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूं। देखिए, मैंने आपको कहा ही था कि जैसे ही हमारा एक चैप्टर खत्म होगा तो मैं आपको पीडीएफ में जो आज तक के जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, साथ में जो जितनी बुक का जो रेफरेंस आप लेते हो, उन सबके पीडीएफ में टाइप वाइज क्वेश्चन आपको हमारे एक टेलीग्राम चैनल भी है, उसके वहां पर मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। अब आज ही एक और चीज हमने लॉन्च की है। हम क्या करेंगे, टेस्ट शुरू कर रहे हैं मैथ्स। वैसे जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें जीके, साइकोलॉजी या फिर आपके और जो स्ट्रीम्स है, जैसे हिंदी हो गया, सबका टेस्ट हो रहा है, उसमें हम मैथ्स को भी जोड़ रहे हैं। तो अगर आप, भले आप यहां पढ़ो या नहीं पढ़ो, आप किसी भी सेक्टर की तैयारी कर रहे हो और आप चाहते हो कि इस जो बंद के दौरान आपकी तैयारी का आप टेस्ट लेना चाहते हो, तो हमने एक टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाई है, तो उसका लिंक भी मैं आपको उस टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा। तो जो लोग टेस्ट देना चाहते हैं, वो लोग आप वहां से आप उस टेस्ट को दे सकते हो। वहां पे एक फिक्स लिमिट है, 25 क्वेश्चन का सेट होगा और एक फिक्स टाइम है, उसमें आपको वो क्वेश्चन करने हैं और आपका जो स्कोर है, क्योंकि वो जो टेस्ट है लगभग 400-500 लोग दे रहे हैं, तो उसकी हम पीडीएफ में आपकी रैंक भी वहां पे डिवाइड कर दी जाएगी कि आपकी कौन सी रैंक उन लोगों के बीच में आई है। तो बहुत ही अच्छा रहेगा कि आप उस टेस्ट को ज्वाइन करो। तो जिस दिन, जिस भी समय टेस्ट होगा, उसके पहले मैं आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से बता दूंगा। बहुत ही अच्छा है आपके लिए, आप अपनी तैयारी को यहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है। तो जो लोग टेस्ट देना चाहते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाना, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। संख्या पद्धति में जो हमने नाम पढ़े, वहां पे आपके सारे नाम खत्म नहीं हो रहे, यानी हमने क्या जो उनके मेन नाम है वो पढ़े, कुछ और भी नाम है तो वो भी मैं अब यहाँ पे राइट डाउन कर देता हूं, ठीक है। हमने एक पढ़ा था अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का ही एक और नाम होता है, हमने पढ़ा था अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। किन संख्याओं को अभाज्य संख्याएं कहते हैं, तो जिसमें सिर्फ और सिर्फ या तो एक का भाग जाता है या उससे खुद का डिवाइड होता हो, उन संख्याओं को अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अभाज्य संख्याओं का ही एक और नाम है, आपने जहां पे लिख रखा हो वहां पे ये भी राइट डाउन कर देना, रूढ़ संख्याएं बोलते हैं। अभाज्य संख्या को ही रूढ़ संख्याएं बोलते हैं। उसी तरह मैंने आपको एक नाम लिखवाया था, संयुक्त संख्याएं। संयुक्त संख्याएं इंग्लिश में लिखा था कंपोजिट नंबर। तो संयुक्त संख्याओं के बहुत सारे नाम है, संयुक्त संख्याओं को ही हम भाज्य संख्याएं बोलते हैं, जिसमें भाग जाता हो, संयुक्त संख्याओं को ही भाज्य संख्या बोलते हैं। संयुक्त संख्याओं को ही सम्मिश्र संख्या बोलते हैं, संयुक्त संख्याओं को ही हम संयुक्त सम्मिश्र संख्या बोलते हैं, और इन्हीं को हम यौगिक संख्याएं भी बोलते हैं। यौगिक संख्याएं, ये आपके नाम हैं, हमने कल एक एक नाम देखे थे, ये सब नाम भी इन्हीं के हैं, संयुक्त संख्याएं, भाज्य संख्याएं, सम्मिश्र संख्याएं या यौगिक संख्याएं। उसी तरह अभाज्य संख्याओं को रूढ़ संख्याएं भी बोलते हैं, या आप अपने नोट्स में वापिस राइट डाउन कर देना, ठीक है। अब जो हमने कल नंबर पढ़े थे वो अभी तक यहाँ पे खत्म नहीं होते हैं, अभी भी नंबर के बहुत सारे टाइप हैं, लेकिन हम सिलेबस के अकॉर्डिंग देखेंगे, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड में परिमेय संख्याओं तक है, हम रीड पटवारी को टारगेट करेंगे, तो परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं अभी सिलेबस में नहीं है, ठीक है। अब इसी में संख्याओं को आगे पढ़ते हैं, तो एक संख्या आती है भिन्न संख्याएं, हम आज भिन्न संख्याओं के बारे में पढ़ने वाले, ठीक है। एक संख्या आती है भिन्न संख्याएं, भिन्न संख्याएं जो संख्याएं अंश बटे हर में लिखी जाए, जैसे अगर आपके a डिवाइड बाय b इस टाइप लिखते हो, इन संख्याओं को क्या लिखते हैं, इन संख्याओं को भिन्न संख्याएं बोलते हैं। जहां पे लाइन के ऊपर जो नंबर होता है उसे हम अंश कहते हैं और जो लाइन के नीचे नंबर होता है उसे हम हर कहते हैं। तो हम आज भिन्न संख्याएं पढ़ने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि ये लेवल 1 के सिलेबस में है, और मान लो किसी के सिलेबस में नहीं है तो भिन्नों की जोड़ जब हम पढ़ते हैं तो आपके कहीं ना कहीं वो कोरिलेट हो ही जाएगा, ठीक है। अब भिन्न संख्याएं
भी अलग अलग टाइप की होती हैं, जैसे मैंने लिखा 2/3, एक लिखा 3/2 और लिखा एक सही 1/2। यस, एक ही संख्या को हम भिन्न संख्याओं को अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। सबसे पहला, यहां पे आप चेक कर सकते हो, जो अंश का मान है वो हर से छोटा है, अंश का मान है वो हर से छोटा है, तो इस तरह के भिन्न को हम उचित भिन्न संख्याएं बोलते हैं। उचित भिन्न, उचित उचित भिन्न किसे बोलते हैं? यदि अंश का मान हर से छोटा हो तो उसे उचित भिन्न कहते हैं। यहां पे अंश का मान हर से बड़ा है, इसे बोलते हैं अनुचित भिन्न, इसे बोलते हैं अनुचित भिन्न। यदि अंश का मान हर से बड़ा हो तो उसे अनुचित भिन्न बोलते हैं। देखिए इंग्लिश में नाम प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अंश का मान हर से छोटा है का क्या मतलब है? आप आगे भाग नहीं लगा सकते, हम भाग का रूल पढ़ने वाले हैं, उसमें जो ये नंबर है इसे बोलते हैं भाज्य, इस नंबर को हम बोलते हैं भाज्य, जिसका भाग लगा रहे हैं उसे बोलते हैं भाजक। तो 2 में 3 का भाग, 2 में 3 का भाग आप लगाओ तो आगे नहीं लग सकता, आगे आपके दशमलव में बदलेगा, लेकिन 3 में 2 का भाग लग सकता है, 3 में 2 का भाग एक बार जाएगा और कुछ न कुछ शेषफल बचेगा। तो जहां पे हम आगे भाग लगा सकते हैं उनको बोलते हैं अनुचित है, अपनी जगह ये गलत है, यानी हम अभी भी भाग कर सकते हैं लेकिन उचित भिन्न में भाग नहीं कर सकते, लेकिन हमें तो परिभाषा पढ़नी है, तो परिभाषा के हिसाब से उचित भिन्न जिसमें जिसको हम और छोटे रूप में नहीं बदल सकते, यानी अंश का मान हर से छोटा हो उसे उचित भिन्न कहते हैं और अंश का मान हर से बड़ा हो तो उसे अनुचित भिन्न कहते हैं। अब अनुचित भिन्न को ही हम इस तरह भी बदल सकते हैं, अनुचित भिन्न को ही हम इस तरह बदल सकते हैं, इसी को बोलते हैं मिश्र भिन्न, इसी संख्या को क्या बोलते हैं? मिश्र भिन्न, यानी हम अनुचित भिन्न से मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं और मिश्र भिन्न से अनुचित भिन्न में भी बदल सकते हैं। ठीक है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, बाकी मुझे सिर्फ नाम बताना था, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्र भिन्न या मिश्र संख्या है। अब भिन्न संख्या है जिनको अंश बटे हर में लिखते हैं। अब इन्हीं में एक और नाम आता है, जैसे आपने हो गया 2/3, 2/3 को ही मैं लिख सकता हूं 4/6, इसी को मैं लिख सकता हूं 6/9, इसी को मैं लिख सकता हूं 20/3। अब ये सब 2/3 के रूप है, 2/3 में अगर ऊपर भी 2 का गुणा करो नीचे भी 2 का गुणा करो तो 4/6 हो गया, ऊपर 3 का गुणा करो नीचे 3 का गुणा करो, ये तो इसी जो मेन भिन्न है इसी को बोलते हैं साधारण भिन्न, इसी को बोलते हैं साधारण भिन्न। और इसके जो रूप है यानी हम इन सबको काट कर 2/3 में ला सकते हैं, इन सबको काट कर 2/3 में ला सकते हैं, कैसे? तो एक नाम अलग से याद रखना, यह संख्या पद्धति में आता है, सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर्स बोलते हैं इनको, को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स। इसमें 2 का जोड़ा होता है, जो संख्याएं आपस में एक दूसरे से नहीं कटती हैं, जैसे 2 और 3, तो 2 और 3 आपस में सह अभाज्य संख्या है, 2 और 3 आप काट भी सकते हैं, उसी तरह 3 और 4, 3 और 4 आपस में कभी कटेगा नहीं, तो 3 और 4 सह अभाज्य संख्या है, जैसे 7 और 16, तो 7 और 16 सह अभाज्य संख्या है क्योंकि ये कटेगी नहीं, तो जब 2 संख्याएं आपस में नहीं कटती तो उन्हें सह अभाज्य संख्या कहते हैं। अब 4/6 कट सकती है, 4 और 6 दोनों 2 की टेबल से कटेंगी, जब आप काटोगे तो किसमें आ गया 2/3, यानी भिन्न को आप सिंप्लीफाई करके लास्ट में काट कर साधारण में बदल दो, साधारण का मतलब ऐसे 2 नंबर आ जाए जो सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य का मतलब जो एक दूसरे से बाद में कभी नहीं कट सकती, तो 2 और 3 एक दूसरे से बाद में कभी नहीं कटेंगी तो उसे साधारण भिन्न बोलते हैं, और उसी संख्या के अलग अलग रूपों को जो कट सकती है यानी जो सह अभाज्य संख्याएं नहीं है, इन सभी को हम बोलते हैं समतुल्य भिन्न, ये नाम ध्यान रखना, इन सभी को हम बोलते हैं समतुल्य भिन्न संख्याएं, समतुल्य भिन्न, नाम ध्यान रखना, लेवल 1 के सिलेबस में है ये, साधारण भिन्न और समतुल्य भिन्न। कभी कभी आता है निम्न में से कौन सा जोड़ा समतुल्य भिन्न का है, तो समतुल्य भिन्न का क्या मतलब है, जब आप उसे काटो और जो फाइनल नंबर आए जो एक दूसरे से बिल्कुल नहीं कटे, बिल्कुल नहीं कटे मतलब ऐसा जोड़ा जो सह अभाज्य संख्याएं हैं, तो उन्हें हम साधारण भिन्न बोलते हैं। अब भिन्न के लिए ध्यान रखना,
अंश बटे हर में लिखते हैं। भिन्न दो तरह की होती है, साधारण भिन्न, मिश्र भिन्न, और उसी में साधारण भिन्न और मिश्र भिन्न के ही रूप है ये उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। बस आप नाम ध्यान रखना, ठीक है। भिन्न, अब भिन्न को हम दशमलव में भी बदल सकते हैं, आगे हम यही देखने वाले, ठीक है। अगला नाम आएगा दशमलव संख्याएं, अगला नाम आएगा दशमलव संख्याएं, पॉइंट वाली जो संख्याएं होती है वो। तो हम इसके बाद भिन्न को दशमलव में बदलना, दशमलव को भिन्न में बदलना देखेंगे, ठीक है। अभी हम सिर्फ नाम देख रहे हैं, संख्याओं के जो अलग अलग रूप हैं वो अभी देख रहे हैं, ठीक है। दशमलव संख्याएं, तो पॉइंट वाली संख्याओं को दशमलव संख्याएं कहते हैं। ये मैंने ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल लिख दिए हैं, ठीक है। 2.125, 3.3 बार, 0.003। पॉइंट वाली संख्याओं को कौन सी संख्याएं बोल सकते हैं? दशमलव संख्याएं। बस इसमें कुछ नहीं है, लास्ट में जब आप पॉइंट हटाओगे तो उतने जीरो आप लगाते हो, लेकिन इन दोनों को कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए। भिन्न को दशमलव में बदल सकते हो, दशमलव को भिन्न में बदल सकते हो, ठीक है। ये खास ध्यान रखना। तो संख्याएं जो हमने कल पढ़ी थी उसी में दो नाम और ऐड कर लेना, भिन्न संख्याएं और दशमलव संख्याएं। इतने जो सिलेबस में है वही मैंने लिखे हैं, ठीक है। लेवल वन के सिलेबस में इतनी संख्याएं हैं, हम इनकी तुलना करने अभी पढ़ेंगे, भाग जो विधि है वो भी पढ़ेंगे, शेषफल निकालना उसके सवाल हम बाद में देखेंगे। अभी मैंने सिर्फ आपको संख्याओं के बारे में बताया, फिर से देख लेना मैंने कौन कौन सी आपको संख्या पढ़ाई है। सबसे पहला प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं जो एक से अनंत तक हो, प्राकृत संख्याएं। दूसरा पढ़ाया पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं जो जीरो एक्स्ट्रा आ जाएगा, जीरो, जीरो से लेके अनंत तक हो। उसके बाद मैंने बताया पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याओं में नेगेटिव पार्ट भी आ गया, जीरो, प्लस वन, माइनस वन, प्लस टू, माइनस टू, प्लस थ्री, माइनस थ्री। उसके बाद इन्हीं प्राकृत संख्याओं में मैंने आपको लिखवाया था सम संख्याएं, जिन संख्याओं में दो का पूरा पूरा भाग जाता हो। इसी में मैंने लिखवाया था विषम संख्याएं, जिन संख्याओं में दो का पूरा पूरा भाग नहीं जाता हो। इसी में एक था अभाज्य संख्याएं, या आज ही नाम बताया रूढ़ संख्याएं, जो संख्याएं सिर्फ और सिर्फ खुद से या एक से डिविजिबल हो उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। उसी के बाद मैंने लिखवाया संयुक्त संख्याएं, संयुक्त संख्याएं, आज उनके सारे नाम लिखे, सम्मिश्र संख्याएं या भाज्य संख्याएं या यौगिक संख्याएं, जिन संख्याएं अभाज्य संख्याओं से मिलकर बनी है या जिसमें किसी भी किसी का भाग जाता हो। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? तो जीरो, जीरो न तो सम है न ही विषम है, एक, एक न तो अभाज्य संख्या है न ही एक संयुक्त संख्या है। यह हमने कल पढ़ा था। आज कुछ और टर्म्स जो मैंने बताए, एक है सह अभाज्य संख्याएं, वो संख्याएं जो एक दूसरे से कभी नहीं कटती, दो संख्याओं का जोड़ा दो एक दूसरे से कभी नहीं कटता, उन्हें सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। और आज हमने एक देखा भिन्न संख्याएं, जिनको हम अंश बटे हर में लिख सकते हैं, उन्हें भिन्न संख्याएं कहते हैं। और एक है दशमलव संख्याएं, पॉइंट वाली संख्या को दशमलव संख्या कहते हैं, पॉइंट वाली संख्या को दशमलव संख्या कहते हैं। ये नाम आप ध्यान रखना, ठीक है। अब इन्हीं संख्याओं में, क्योंकि लेवल वन के सिलेबस के हिसाब से अभी देख रहे हैं, तो इन्हीं संख्याओं में संख्याओं की तुलना है, संख्याओं की तुलना। तो संख्याओं की तुलना पढ़ने के लिए हम तो नाम पढ़ते हैं, क्योंकि उसमें लिखा है एक से एक करोड़ तक की संख्या है, तो मैं उसको एक बार डिराइव कर देता हूं क्या है वो। मैंने कोई भी ये नाम लिख दिया, ठीक है, ये कुछ नंबर लिखे। अब इसकी तुलना करना, तुलना का मतलब बड़ा छोटा और स्थानीय मान और जातीय मान का एक बार मैं आपको यहां पर रेफरेंस दे देता हूं, ठीक है। सबसे पहली संख्या से हम गिनना शुरू करें तो सबसे पहली संख्या को बोलते हैं इकाई काम, इकाई, दूसरे को दहाई, तीसरे को सैकड़ा, हजार, दस हजार, लाख, दस लाख, करोड़, दस करोड़, अरब, दस अरब, खरब, दस खरब, नील, इस तरह आगे बढ़ेगा। हमें आगे तक नहीं जाना है क्योंकि वहां पे करोड़ तक की संख्या है बस, लेवल वन में। ये नाम आपको ध्यान होंगे, ये नाम स्थान को बताते हैं, बस मुझे ये बताना है। स्थानीय मान और जातीय मान जब हम पढ़ेंगे तो ये नाम ध्यान रखना, ये स्थान को बता रहे हैं, ये जो प्लेस है, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, जैसे जैसे आप आगे जाओगे वैसे वैसे मान बढ़ता जाएगा। तो दो टॉपिक हमें जो पढ़ने हैं वो है, एक है स्थानीय मान
और एक है जातीय मान। ये दो आपको मैं कंफर्म कर देता हूं, एक है स्थानीय मान, इसे बोलते हैं प्लेस वैल्यू, और एक है जातीय मान, इसे बोलते हैं फेस वैल्यू। जैसे उन्होंने एक संख्या लिख दी 5, 8, 2, 3, 7, ये एक संख्या मैंने लिखी है, ठीक है। इसमें आपको पूछेगा 8 का स्थानीय मान कितना है, या आपको पूछेगा 8 का जातीय मान कितना है, तो उसके लिए देखिए नाम से हमेशा स्थान की एक तो वैल्यू होती है, आप ऐसे ओरिजिनल में प्रैक्टिकली सोचो स्थान की वैल्यू, और एक है जाति। अब जाति वैल्यू का मतलब आप फेस से ले लो, ये इंग्लिश से आपको कंफर्म, एक होती है शक्ल फेस की वैल्यू। जैसे अगर आप कहीं और पे, जैसे आप जयपुर में जाके कोई जगह लें और उतनी ही जगह आप मुंबई में जाके लें, तो आप देखोगे स्थान की वैल्यू ज्यादा होती है, यानी जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे स्थान की वैल्यू बढ़ती जाती है। अगर आप किसी ऐसे छोटे से कस्बे में लो, किसी गांव में जगह लो, तो आपको सस्ती मिल जाएगी, लेकिन वही जगह आप किसी और बड़ी सिटी में लो तो आपको बहुत ज्यादा रेट देनी पड़ेगी, यानी स्थान का मान बढ़ते जाता है। तो स्थानीय मान, स्थानीय मान कैसे, 7, तो 7 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 7 इकाई के अंक पे है, तो 7 का स्थानीय मान 7। 3 का स्थानीय मान, अभी हम स्थानीय मान पढ़ रहे हैं, 3 का स्थानीय मान, तो 3 कौन से नंबर पे है, 3 दूसरे नंबर पे है, यानी जैसे जैसे स्थान बढ़ेगा उसका मान भी बढ़ेगा, तो 3 के पीछे जितनी संख्या है उतने 0 लगा दो, तो 3 का स्थानीय मान 30 होगा। जैसे उसने पूछा 8, 8 का स्थानीय मान कितना होगा, तो आपने 8 लिख दिया। अब 8 कितने स्थान आगे हैं, 8 3 स्थान आगे हैं, यानी 8 के पीछे जितने संख्याएं हैं उतने नंबर रख दो, तो ये 0 लगा दिए, 8000, 8 का स्थानीय मान 8000 है। 2 का स्थानीय मान कितना है, तो 200। स्थानीय मान जितना स्थान बढ़ेगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार ये स्थान है, जितना स्थान बढ़ेगा उतना स्थान का मान बढ़ेगा। एक है फेस वैल्यू, फेस वैल्यू फिर से वही, आप अमिताभ जी को ले लो, अमिताभ जी अगर मुंबई में शो करें या अमिताभ जी किसी जयपुर में शो करें या किसी गांव में शो करें, उनकी फीस उतनी होगी, यानी फेस वैल्यू कभी नहीं बदलती। फेस वैल्यू आप उस आदमी को कहीं पे भी ले जाओ, अमेरिका ले जाओ कि चीन ले जाओ, उसका फेस वैल्यू वही रहेगी। इसलिए फेस वैल्यू हमेशा वही अंक होता है, फेस वैल्यू हमेशा वही अंक होगा आपका। जैसे 5 की फेस वैल्यू कितनी है, तो 5। 8 की फेस वैल्यू कितनी है, जाति मान कितना है, तो 8 ही रहेगा। 2 का 2 ही रहेगा, 3 का 3 ही रहेगा, 7 का 7 ही रहेगा। तो स्थानीय मान और जाति मान में क्या अंतर है, स्थानीय मान हमेशा जगह के ऊपर डिपेंड करता है, यानी उस संख्या के पीछे जितने अंक हैं उतने 0 लगा दो तो वो स्थानीय मान, और जातीय मान हमेशा वही रहेगा। अब ये सभी को आता है, इसमें नोटिस करने वाला क्या है, तो कुछ थ्योरी है, आप इसको राइट डाउन कर लेना, क्या थ्योरी है वो देख लो। इकाई के अंक का, इकाई के अंक में कोई भी अंक आ जाए, इकाई का अंक 7 ले लो, 10 ले लो, 20 ले लो, कोई भी ले लो, वैसे नंबर 0 से 9 तक याद रखना, ठीक है। इकाई के अंक का स्थानीय मान, इकाई के अंक का स्थानीय मान और जातीय मान हमेशा एक समान होता है, इकाई के अंक का स्थानीय मान और जातीय मान हमेशा समान होता है, यानी इकाई के अंक के जातीय मान और स्थानीय मान का अंतर कितना होगा, तो 0। थ्योरिटिकल में बहुत बार पूछा हुआ है, इकाई के अंक का स्थानीय मान और जातीय मान हमेशा वही होता है। दूसरा 0, दूसरा ध्यान रखना 0, 0 का स्थानीय मान या जातीय मान हमेशा 0 ही होता है, 0 का स्थानीय मान और जातीय मान हमेशा 0 ही होता है। दो थ्योरी को स्पेशली इनको ध्यान रखना कि एक होगा इकाई का अंक और एक होगा 0, 0 का स्थानीय मान भी हमेशा 0 होगा, 0 का जातीय मान भी हमेशा 0 होगा, और दूसरा इकाई के अंक का स्थानीय मान और जातीय मान समान होता है, ठीक है। ये दो नंबर आप ध्यान रखना। अब ये जो बेसिक नंबर्स थे वो हमने देख लिए, अब इन्हीं नंबर्स में जोड़ बाकी गुणा यहां तक तो ठीक है, मुझे भाग बताना, ठीक है, ये खास ध्यान रखना भाग, ये क्योंकि इससे संख्या ए में अगर आपको बी का भाग लगाना है तो ए को, ये खास नाम ध्यान रखना, ए को भाज्य बोलते हैं, ए को भाज्य बोलते हैं, बी को भाजक बोलते हैं, ए को भाज्य बोलते हैं, बी को भाजक बोलते हैं। जैसे अगर आपको 15 में 4 का भाग लगाना,
अगर आपको 15 में 4 का भाग लगाना हो तो 15 यहां पे आपका भाज्य होगा और 4 आपका भाजक होगा। अब आप भाग लगाओ तो 4 का भाग अगर आप 15 में लगाओ तो कितनी बार जाएगा, तो हम लिखते हैं 3 बार जाएगा। 4 का भाग 15 में लगाएंगे तो 3 बार जाएगा। अब मल्टीप्लाई, इन दोनों के मल्टीप्लाई को यहां पे लिखते हैं, यहां पे कितना आएगा 12 और 15 में 12 को माइनस करेंगे तो 3। अब ये 4 आपका भाजक, 15 आपका भाज्य, ये आया उसे बोलते हैं आपका भागफल, क्यूशेंट बोलते हैं, ठीक है। और ये आपका शेषफल। तो एक शेषफल प्रमेय है, उसे हम ए और बी में लिखते हैं, तो ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, इस फॉर्म में लिखते हैं। मुझे ये फॉर्म बतानी थी, ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, और आर जो आपका है वो हमेशा जीरो से बराबर या जीरो से बड़ा होता है, यानी आपका जो शेषफल है वो जीरो भी हो सकता है, जीरो से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होगा। ये थ्योरी के लिए क्वेश्चन ध्यान रखना, शेषफल का मान कभी भी भाजक के बराबर भी नहीं हो सकता, भाजक से छोटा ही होगा। यानी अगर आप 4 का भाग 15 में लगाओ या 4 का भाग किसी में भी लगाओ, जो आपका शेषफल है वो शेषफल 4 से कम ही होगा, यानी 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 भी हो सकता है, लेकिन उस भाजक से छोटा ही होगा। तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लिखते कैसे हैं, तो भाज्य बराबर भाजक गुणा शेषफल, सॉरी भाजक गुणा भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। लास्ट ईयर लेवल 1 में इसका क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, हर साल एक क्वेश्चन आता है इसका। तो ये भागफल वाले थ्योरम को ध्यान रखना, हम जो नेक्स्ट क्लास है या नेक्स्ट वीडियो है इसी के साथ कंटिन्यू करने वाले हैं। अभी मैं इसको यहीं पे छोड़ रहा हूं, बस आप नाम ध्यान रखना, ठीक है, कि जो भिन्न संख्याएं हैं उसको लिखते टाइम भागफल या शेषफल प्रमेय है उसमें क्या लिखते हैं, तो ऊपर वाले को भाज्य बोलते हैं, जो बटे में है उसे भाजक बोलते हैं, और जो नंबर आएगा भागफल और शेषफल, और यहीं से हम मिश्र भिन्न बदलते हैं। तो अगली बार इसी को कंटिन्यू करेंगे, आप ये नाम ध्यान रखना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।